महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीट पर होने वाले चुनाव के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इस लिस्ट में पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। इससे पहले इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बना सकती है। भाजपा की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उसने अपने उम्मीदवारों के रूप में प्रवीण यशवंत दारेकर, वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष के नेता रामशंकर शिंदे, पूर्व मंत्री श्रीकांत भारतीय, उमा गिरीश खापरे भाजपा की राज्य महिला शाखा के प्रमुख और प्रसाद मिनेश लाड को चुना है। विधान परिषद के सभापति रामराजे नायक निम्बालकर, राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते दोनों शिवसेना के, दारेकर प्रसाद लाड मराठा नेता विनायक मेटे और पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बता दें कि राज्य विधानसभा के सदस्य इन चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल गठित करते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 288 सदस्य, निचले सदन में 106 विधायक है और पार्टी के पास ऊपरी सदन में अपने 4 उम्मीदवारों की आसान जीत के लिए पर्याप्त संख्या बल है। बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।